सलमान खान की बम्पर कमाई करने वाली फिल्मों में अब भारत का नाम भी शामिल हो गया और इस लिस्ट में उनकी 14वीं फिल्म है। ईद के दिन रिलीज हुई भारत ने पहले दिन 42 करोड़ 30 लाख की शानदार ओपनिंग कर डाली। इस तरह ये फिल्म पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सलमान की फिल्म बन गई है। अब फिल्म भारत की बात करें तो ये इमोशंस और पारिवारिक मूल्यों से सजी हुई फिल्म है। टू ऑल द फादर्स हु आर हीरोज एंड टू ऑल द मदर्स हु आर सुपर हीरोज, सलमान खान की फिल्म भारत की ये टैगलाइन है। भारत फिल्म 80 के दशक के अकॉर्डिंगली बनी हुई महसूस होती है और सलमान भाई के फैंस सलमान को 8 साल से लेकर 70 साल के बूढ़े के रूप में देखकर उनकी हर अदा पर फिदा होंगे। सभी जानते हैं कि सलमान खान अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और उनकी निजी जिंदगी का ये पहलू पर्दे पर उन्हें भारत के किरदार को पुख्ता करने में मददगार साबित हुआ है। मैडम सर के रूप में कैटरीना की परफॉर्मेंस दाद देने लायक है। सुनील ग्रोवर को विलायती के रूप में अपना एक्टिंग का ट्रेंड दिखाने के लिए पर्याप्त स्पेस मिला है। अन्य किरदारों में सोनाली कुलकर्णी, जैकी श्रॉफ, सतीश कौशिक और आसिफ शेख ने यादगार अभिनय किया है। दिशा पाटनी को देखकर ये बात मन में आती है कि वे इस फिल्म में है क्यों। क्लाइमैक्स में तब्बू की एंट्री दमदार है। सब तरह के तड़कों से भरपूर ये फिल्म दर्शकों को खूब एंटरटेन कर रही है। बॉलीवुड और टेलीविजन की लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल बॉलीवुड मिरर और बेल आइकन को दबाना मत भूलें।